नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के मिराजपुर में आज एक कोरोना मरीज ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। विद्युत कर्मचारी का कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चल रहा था इलाज। जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक कोरोना के मरीज द्वारा अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मसूरपुर थाना क्षेत्र के बेराजपुर में स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में विद्युत कर्मचारी का कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे आहत मरीज ने अस्पताल की पाँचवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, परिजनों ने अस्पताल पहुँचकर जमकर हंगामा काटा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं डीएम मुजफ्फरनगर सेलवा कुमारी जे ने बताया कि सुबह इस घटना की जानकारी मिली। प्राइम न्यूज 24 से विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव की चौथी मंजिल से क्या पूरा मामला है? अच्छा, इसमें ये है, आज अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 2 o'clock अराउंड आई थिंक 2:09 या अराउंड इनका ये हुआ है। इसमें प्रिलिमिनरी जांच चल रही है, हमारा पंचनामा भी भर रहे हैं। उसमें फिफ्थ फ्लोर से उन्होंने राजकुमार करके एक पेशेंट है, उनका डेथ हुआ है। प्रिलिमिनरी जो देख रहे हैं उसमें सुसाइड का चल रहा है, उसमें दिख रहा है, उसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सीसीटीवी फुटेज भी है उसका क्लैरिफाई करने के लिए, उनके फैमिली पर्सन्स भी आ रहे हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, उसमें अगर डेरिलिक्शन है ड्यूटी पे या नेग्लिजेंस अगर है, प्रिलिमिनरी नहीं दिख रहा है, बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद तभी हम कंफर्म कर पाएंगे। जो भी आगे का कार्रवाई उसके बाद डिसाइड। मैडम सरकारी कर्मचारी है, मैडम कब से एडमिट थे वहाँ पे? ही वाज देयर फ्रॉम एट। वो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, ही स्टिल पॉजिटिव एंड ही वॉज इन ICU L3 में है। तो केयर तो प्रॉपर हुआ है उनका, बट सम काइंड ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स था उनके साथ, क्योंकि जो बगल के बेड्स के लोग जो बता रहे हैं उससे ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ही हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, जिसके लेकर के परेशान है। डॉक्टर्स ने भी काउंसलिंग भी दिए हैं, बट एनीथिंग एल्स वी हैव टू सी। पूरा इन्वेस्टिगेशन आयोग के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही करना पड़ेगा। SDM और CO मौके पर ही रहने वाले, कहाँ यहीं के पाछेंडा के हैं, यहीं के हैं, मुजफ्फरनगर। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मेरे पिता इसमें एडमिट थे बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में। 8 तारीख को हमने इनको भर्ती किया था, 8 तारीख को उनको मैंने यहाँ पे भर्ती किया था, क्योंकि उनके लंग्स में इन्फेक्शन था। उस रात उनकी कोविड जांच की गई थी, पर लेकिन उस टाइम पे उनकी कोविड जाँच निगेटिव बताई गई थी। 17-18 घंटे बाद उनकी जाँच पॉजिटिव रिपोर्ट आई, और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको ऊपर कोविड डिपार्टमेंट में उनको एडमिट कर दिया गया। इस बीच उन्होंने हमें बोल दिया था कि इसमें अब आप अपने पिता से नहीं मिल पाओगे। इसके बाद उन्होंने हमारी पिता अपने पापा से बीच में बातचीत होती रही, उस बीच में बोलते रहे कि खाने में दिक्कत है, यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और कल रात भी मेरे पापा से बात हुई, कल रात पापा ने बोला कि क्या नाम मेरी अच्छी तबीयत है और क्या नाम मेरी दिक्कत, ये ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और ये थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं स्टाफ वाले। और इस बीच उन्होंने सवेरे हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम से फ़ोन आया, कंट्रोल रूम वालों ने बोला कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है और आप यहाँ पे आ जाइए हॉस्पिटल में। और यहाँ के पता चला कि वे ऊपर खिड़की में से कूद गए हैं। अगर अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऐसी घटना ग्रस्त हो गई तो हमारे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया उन्होंने? हमें शक है कि प्रशासन के द्वारा इसमें कुछ ना कुछ लापरवाही हो गई है। आपकी रात बात हुई, ठीक ठाक बात हुई? रात बात हुई, वे ठीक ठाक थे और बोल रहे थे कि क्या नाम कि मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही, मुझे यहाँ से निकलवा लो, तबीयत ठीक थी। क्या चाहते हैं? हम इस उच्च स्तरीय जांच की जाए, पोस्टमार्टम हो। किस कारण सवेरे आए थे तो एक नीरज हैं यहाँ के स्टाफ के, उन्होंने हमें बताया कि शाम को उनकी लगभग रात को 2:30 बजे के आसपास वो ऊपर से कूद गए। ऊपर से जब हमने पूछा कि आप हमें कब बताया, तो उन्होंने कहा कि सवेरे 4 बजे हमने आपको कॉल की। मैंने जी आपने इतने दिन के बाद कॉल क्यों की? उसके बाद उनका जवाब स्पष्ट नहीं है। और जब वो हमें स्पॉट दिखाने लगे कि कहाँ पर डेड बॉडी गिरी थी ऊपर से, जो व्यक्ति थे वहाँ पर उन्होंने गटर का पानी डाल के और ऊपर से गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, कोई एविडेंस कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ साफ सुथरा करके धो धा के हमें बताया कि यहाँ पर जंप की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है जी। क्या लगता है जी? वो मेरे मामा थे।